Hello friends, myself Raj Deepak Singh, and in this particular video I'm going to talk on self given exam analysis of like this RRB PO prelims. Look, my shift was in my exam was in fourth shift, my reporting time was around 2:45. Okay, so my exam was held at in evening. Okay, and I have given my exam in evening shift, okay, shift 4. So like in RRB PO prelims, as you know, 40 questions hote hain. So we will talk first on reasoning. Okay, to reasoning mein jo questions aaye the aaj jo shift 4 mein jo maine exam diya tha, वो लाइक सबसे पहले तो मैं एक चीज़ एड्रेस करूँगा, लाइक क्योंकि SBI क्लर्क प्रीलिम्स में भी ये चीज़ मैंने एड्रेस की थी, अगेन यहाँ पे भी लाइक RRB PO प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है उसमें जो इंटरफेस का इशू है, इट इज़ कंटिन्यूइंग. मतलब इशू नहीं कह सकते हो कि जो क्वेश्चन है वो रुक रुक के आ रहे हैं आपको, मतलब तुरंत नहीं मिलेंगे आपको क्वेश्चन, लाइक माउस क्लिक करना पड़ेगा तो क्वेश्चन स्विच होने में टाइम लग रहा है. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट लाइक यू कैन से दैट इंटरफेस इशू. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट इंटरफेस इशू यू कैन से दैट विच इज़ एक्चुअली राइट नाउ बींग सीन इन लाइक ऑल द फोर शिफ्ट, और ये कंटिन्यू होगा जो भी लाइक अपकमिंग जो सेवन्थ को जो एग्ज़ाम है उसमें ये कंटिन्यू होगा. लाइक आपका क्वेश्चन जो है वो लाइक रुक रुक के आएगा, तो आप इस पर थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करके जाएँ. So this is one of the issue I have addressed regarding this interface issue. Okay, so look, the first section, the reasoning section, we are going to start with reasoning then maths. Look, reasoning we have 40 question. जो reasoning में actually में जो exam में questions आए थे वो like मेरे shift में 5 puzzle आई थी. Okay, like मैंने देखा है reviews like shift 1-2 का, तो मैंने देखा उन्होंने 4 पजल्स पूछी हैं लाइक इन दो शिफ्ट में. आई डोंट नो, बट मेरे को जितना मैंने एनालिसिस देखा था डिफरेंट लाइक सोर्सेज से और डिफरेंट जो चैनल्स ने बताया था, उन्होंने लाइक 4 पजल्स बताई थी, लेकिन जो हमारे शिफ्ट में आया था शिफ्ट 4 में उसमें टोटल 5 पजल आई थी. ओके, द फर्स्ट पजल विच आई फेस्ड वॉज एक मंथ बेस्ड पजल था. ओके, सिंगल वेरिएबल का था, मंथ बेस्ड पजल था, जनवरी फरवरी, टोटल 10% थे और जनवरी टू लाइक ऐसे मतलब अलग अलग मंथ्स दिए हुए थे और टोटल 10% थे और उन एक ही वेरिएबल था और उनको लाइक अरेंज करना था. तो एक पजल तो ये हो गई, 5 क्वेश्चन आए थे इस पे. ओके, द सेकंड पजल विच आई गॉट वॉज, और ये इजी भी था, मतलब आप इसको मॉडरेट नहीं कहोगे, ये जो पजल था वो इजी था. द सेकंड पजल विच आई गॉट, जो कि मैंने पहले अटैम्प्ट किया, लाइक पहला क्वेश्चन ही मैंने ये किया था, वो फ्लैट बेस्ड पजल था. ओके, टोटल 8% थे, लाइक 4 फ्लोर्स थे और 2 फ्लैट थी पी और क्यू, और उसमें लाइक जो भी एक ही वेरिएबल था. ओके, एक ही वेरिएबल था और उसमें आपको अरेंज करना था. तो ये मुझे इसमें मेरे शायद 2 केस बन रहे थे, 2 की 3 केस बन रहे थे. इस पर जितना मुझे याद है कि इस पर 5 क्वेश्चन ही आए थे. ओके, हाँ, इस पर भी 5 क्वेश्चन आए थे. ओके, फिर जो तीसरा पज़ल जो मुझे मिला वो था सर्टेन नंबर ऑफ लाइक पर्सन आते हैं ना, लाइक आपने देखा होगा सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन. लुक, इसका जो मेरा आंसर आ रहा था लाइक 17 आ रहा था. 17 इसलिए आ रहा था क्योंकि एक कंडीशन दे रखी थी कि क्या बोलते हैं, जो नंबर ऑफ़ पर्सन बी और के में है. ओके, जितने नंबर ऑफ़ पर्सन बी और के में है उतने ही नंबर ऑफ़ पर्सन उतने ही नंबर ऑफ पर्सन किसी एक पर्टिकुलर कोई एक वेरिएबल था उसके राइट में होंगे. ओके, तो इससे ही 17 आ रहा था. लाइक ये एक आप कह सकते हो एक वो कहते हैं ना, एक पॉइंट था जिससे आपका पजल सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का पजल सॉल्व हो रहा था. उसमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बोला था कि एक सर्टेन कंडीशन दी हुई थी कि मतलब 2 पर्सन के बीच में जितने पर्सन हैं, लाइक जितने पर्सन बैठे हैं उतना ही क्या बोलते हैं उसके राइट में होगा, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के राइट में होगा. तो इससे सॉल्व हो रहा था, जो सर्टेन नंबर ऑफ़ पर्सन आ रहे थे मेरे 17 आ रहा था. तो ये 3 पज़ल मैंने आपसे शेयर किया. और एक पज़ल और आया था, यस, सर्कुलर बेस्ड पज़ल था जिसमें कि आपके 4 इनसाइड और 4 आउटसाइड थे. लुक, ये वाला जो क्वेश्चन था पूरे जो एग्ज़ाम में मुझे ये पज़ल थोड़ा सा ट्रिकियर लगा,
क्यों लगा? क्योंकि इसमें लाइक तीन केस बन रहे थे, इसमें तीन केस बन रहे थे, तीन नहीं कहूँगा, इसमें चार केस बन रहे थे, मेरे चार केस बने थे, और इसमें लाइक मैंने 6 to 7 minutes वेस्ट कर दिया अपने, 6 to 7 to 8 minutes में ये पज़ल मेरे से सॉल्व हुई। और इसमें जो 8 person थे, 4 person अंदर देख रहे थे और 4 person बाहर, और इसमें जो टोटल लाइक केसेस मैंने बताया, जैसे कि 3 से 4 केस बन रहे थे और ये काफ़ी टाइम टेकिंग था, तो ये मुझे थोड़ा सा, इसके भी 5 question थे फॉर श्योर, जो अनसर्टेन के थे उसके 4 questions थे जितना मुझे याद है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स थे उसके 4 question थे, और ये जो सर्कुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट था इसके लाइक 5 question थे। ये 4 puzzle मैंने आपसे शेयर किया, और एक पज़ल और आया था, वो था बेस्ड ऑन लाइक दिस, मुझे एक सेकेंड याद करने दीजिए, हाँ वो एक पज़ल था आपका लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, जो क्या बोलते हैं नॉर्थ साउथ वाला होता है ना, उसमें 4 person साउथ में देख रहे थे, 4 person नॉर्थ में देख रहे थे, और ये 2 variable था, ओके 1 variable नहीं था, 2 variable का था, लाइक 8 peoples थे और 8 people डिफरेंट चीज़ें लाइक कर रहे हैं। तो अगर मेरे से आप कहोगे कि इस 5 puzzle में जो एग्ज़ाम में सबसे डिफ़िकल्ट पज़ल था वो यही पज़ल था, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट, व्हाट आई हैव लाइक एनालाइज दैट, नॉर्मली दे गिव दिस लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट इन एग्ज़ाम इजी, बट इन दिस पर्टिकुलर RRBPO दे हैव गिवन दिस लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट ऑफ 8 person एंड दे आर लाइकिंग डिफरेंट थिंग्स, और ये लाइक 8 person सिटिंग थे, और ये इस पर मेरे 3 केस बन रहे थे, और ये सबसे डिफ़िकल्ट था मेरे हिसाब से, जितने भी पज़ल 5 आए थे इसमें भी मैंने लाइक 8 to 9 minutes दिए होंगे जितना मुझे याद है, ओके सो ये टोटल 5 puzzle आई थी। सबसे पहला पज़ल था, मैंने आपको बताया कि आपका उस पे था मंथ बेस्ड पे था, दूसरा पज़ल आपका था फ्लैट बेस्ड पे, तीसरा पज़ल आपका था अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन पे, चौथा पज़ल आपका था ये क्या बोलते हैं सर्कुलर बेस्ड पे, जिसमें 4 अंदर और 4 बाहर देख रहे थे, और 5वां पज़ल था आपका ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें 8 person थे और वो डिफरेंट चीज़ें लाइक कर रहे हैं, ओके सो ये 5 puzzle आप लगा लो कि अप्रॉक्स 24-25 marks के थे, एंड रेस्ट ऑफ द 15 questions वेयर ऑफ मिसलिनियस, ओके मिसलिनियस में मुझे एक क्वेश्चन याद है कि एक डायरेक्शन का था जिसका आंसर मेरा शायद नॉर्थ वेस्ट आ रहा था, ओके और एक क्वेश्चन था जो पज़ल ये क्या बोलते हैं रीजनिंग में, वो एक सेकेंड मुझे हाँ एक क्वेश्चन सॉरी जो रीजनिंग में थे वो 5 syllogisms दिए थे, 5 syllogisms थे और लाइक 5 syllogisms थे और 5 inequality था, 4 syllogisms थे जितना मुझे याद है, 4 syllogisms के क्वेश्चन थे और 5 inequalities के क्वेश्चन थे। एक मैंने आपको डायरेक्शन का बता दिया, लुक एक ब्लड रिलेशन था जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, और एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का जो SSC CGL का पैटर्न होता है, लाइक PQRST का कोड, लाइक लेट सपोज एक वेरिएबल है, लेट सपोज एक नाम है लाइक पिंकी या फिर कोई भी नाम है, उसको कोड कर दिया ABCD, और फिर दूसरा नाम आप ले लो लेट सपोज एप्पल और उसको कोड कर दिया, और फिर तीसरा पूछा था कि इसकी कोडिंग बताए, तो ये एक क्वेश्चन था, ये भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मुझे इसमें लाइक ऑप्शंस में काफ़ी कंफ्यूजिंग लगा, तो मैंने नहीं अटेम्प्ट किया ये वाला। और ब्लड रिलेशन जैसा मैंने बताया, मैंने ये भी अटेम्प्ट नहीं किया था ब्लड रिलेशन। एक क्वेश्चन था आपका कंपैरिजन बेस्ड पज़ल, जिसमें कि हाइट दे रखी थी, लाइक 6 person थे या 5 person थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन लाइक 15 seconds में, लास्ट के 15 seconds बचे थे, तो वो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, उसमें लाइक 6 person थे या 5 person थे मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन उसमें मैंने जो आंसर लिखा है वो ए आंसर था। उसमें पूछा था कि जो थर्ड लोवेस्ट क्या बोलते हैं जो थर्ड लाइटेस्ट पर्सन पूछा था क्वेश्चन में, ये पूछा था कि हु इज़ द थर्ड लाइटेस्ट पर्सन, सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लाइक आई हैव आंसर्ड ए इज़ द थर्ड लाइटेस्ट पर्सन, बट आफ्टर लाइक सीइंग द क्वेश्चन लाइक आई थॉट मैनी स्टूडेंट्स हैव डन इट
cannot be determined was the answer. I don't know what was the answer because I am not aware of that question, because I have attempted that question in last 15 seconds. So I am not exactly remembering that question, but I have tick A answer. A is the third lightest, but many candidates are saying that cannot be determined is the answer. So I don't know if any students have attempted that question in that particular shift. Please do comment in the comment section so that we have an idea that what is the exact question on that particular shift, okay, regarding this comparison based question. Okay, so this is a question hi aaya tha is pe, aur ek do miscellaneous ke the, like एक वर्ड फॉर्मेशन का भी आया था, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने वो अटेम्प्ट नहीं करा है. ओके, वो मैंने छोड़ दिया. तो ये एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया रीजनिंग सेक्शन का. लाइक 40 में से आई हैव अटेम्प्टेड 34 क्वेश्चन, आई हैव लेफ्ट 6 क्वेश्चन. आउट ऑफ 40 आई हैव अटेम्प्टेड 34 क्वेश्चन आई हैव अटेम्प्टेड, आई हैव लेफ्ट 6 क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज़ द कम्प्लीट overview of reasoning section. Now we are going to talk on this math section, which I feel is very इसको मैं moderate to difficult दूंगा. Reasoning I will give in moderate, but for math section I will give it from moderate to difficult. Why? Because once I will give you an overview, you will understand what is the actual scenario in the exam. Okay, look, मैथ्स में जो सबसे पहले तो जो इजी में आया था वो 6 क्वेश्चन आए थे नंबर सीरीज़ के, मिसिंग नंबर सीरीज़ का था. लेकिन मिसिंग नंबर सीरीज़ में नॉर्मली आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं. अब इसमें जो क्वेश्चंस दिए थे बहुत ट्रिकियर था. मैंने 6 में से 4 क्वेश्चंस किए, 2 मिसिंग नंबर सीरीज़ मेरे से छूट गया था एग्ज़ाम में. और वो इसलिए छूटा क्योंकि वो बहुत ट्रिकियर था. उसमें आपके वो बन नहीं रहते एग्ज़ाम में, वो सॉल्व नहीं हुआ मेरे से. तो मैंने लगाया डिफरेंट स्ट्रेटजीज, बट वो सॉल्व नहीं हुआ वो 2 क्वेश्चन. सो आई हैव लेफ्ट 2 क्वेश्चन. 6 क्वेश्चन आए थे मिसिंग नंबर सीरीज़ पे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 5 क्वेश्चन आए थे. नॉर्मल था, ज़्यादा टफ नहीं था, यस मॉडरेट कहूँगा मैं. ये 6, 5, 11 तो ये हो गए. ओके, और लुक, ये 6 क्वेश्चन आपके मिसिंग नंबर सीरीज़ के थे. 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था. नॉर्मली RRBs में देखा जाता है कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन वो डालते हैं, बट इन माय शिफ्ट 4 और 1 जुलाई, देर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन. ओके, सो दिस इज़ द थिंग विच आई वांट टू एड्रेस, सो दैट जिसका एग्ज़ाम फ्यूचर में हो वो इसको रिकोगनाइज करें. ओके, ये 2 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी. लुक, 2 DI आई थी, 2 डाटा इंटरप्रटेशन आया था. एक डाटा इंटरप्रटेशन मुझे याद है कि एक आया था, वेट, एक लैपटॉप और डेस्कटॉप पे उन्होंने कोई एक वो एक सेकेंड हाँ एक लैपटॉप और डेस्कटॉप पे उन्होंने लाइन ग्राफ दिया था, लाइन ग्राफ. ओके, तो उसके बेस्ड पे 5 क्वेश्चन थे, तो वो ईजी थे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन. ठीक है, एक DI तो ये हो गया, इस पे 5 क्वेश्चन थे. एक DI और आई थी डाटा इंटरप्रिटेशन की, उसमें मॉनसून का था कुछ, मॉनसून करके दिया था, फिर समर करके दिया था, और फ्रूट्स करके दिया था. तो ये मुझे बहुत वो लगा, थोड़ा पेचीदा टाइप लगा, ट्रिकियर जिसे कहते हैं ना कि एग्ज़ाम में आपने अगर इसको सॉल्व किया तो एग्ज़ाम ख़राब कर देगा. तो वो मैंने छुआ नहीं, इसको मैंने टच नहीं करा इस क्वेश्चन को. इस पे भी 5 से 6 क्वेश्चन आए थे. और इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ देखा कि उन्होंने, देखो आपका DI तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस थे वो 4-4, 5-5 लाइन के थे. इसके जो 5 क्वेश्चन थे उसमें 3 से 4 क्वेश्चन 4-4, 5-5 लाइन के थे. सो दैट पर्टिकुलर DI आई फाउंड वेरी डिफिकल्ट इन द एग्ज़ाम, सो आई डिडेंट टच दैट पर्टिकुलर DI. एंड वन DI, ये तो 2 हो गए. एक कैसलेट DI आई थी मेल फीमेल पे, उसमें भी डाटा थोड़ा ज़्यादा दिया था, तो उसको भी मैंने टच नहीं किया. आई फाउंड दैट क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग था. ओके, तो एक तो ये 2 DI, एक डाटा इंटरप्रिटेशन मैंने नहीं किया, एक कैसलेट DI मैंने नहीं की. कैसलेट DI के मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट 3 क्वेश्चन थे या 5 क्वेश्चन थे, मुझे याद नहीं है. लेकिन हाँ, दोनों जो DI आई थी उसमें एक में 5 क्वेश्चन थे और एक में 5 क्वेश्चन थे. ठीक है, 10 क्वेश्चन थे टोटल. तो ये तो हो गया रिगार्डिंग दिस. और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू फाउंड दिस मिसलिनियस क्वेश्चन,
like arithmetic questions the. Rest of the question you are going to get like all arithmetic question, and वो arithmetic question जो आपको मिलेगा उसमें like ऐसा नहीं है कि आपको एक एक line का मिल जाएगा. उन्होंने दो दो तीन तीन लाइन का लाइक मिसलिनियस क्वेश्चन डाला था, डाटा थोड़ा ज़्यादा दिया था. तो इसमें भी मैंने लाइक एक एक ही क्वेश्चन कर पाया मैं मिसलिनियस में भी. मैंने एजेस का किया है, सिर्फ एक एज का क्वेश्चन आया था. और एक मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से मिसलिनियस में लाइक टारगेटेड क्वेश्चन थे. लुक, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एजेस पे आया था कि एक आया था मुझे याद नहीं. एक उन्होंने मिक्सचर पे दिया था, एलिगेशन एंड मिक्सचर का क्वेश्चन आया था. एक लाइक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी था. और भी थे लाइक मुझे, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया ये अर्थमेटिक सेक्शन, तो ये तीन मैंने क्वेश्चन देखे थे जल्दी. हाँ, एक क्वेश्चन आया था लाइक वो स्क्वायर बेस्ड था, रेक्टेंगल स्क्वायर वाला होता है ना, उसके बेस्ड पे एक क्वेश्चन आया था मिसलिनियस में, ठीक है. और एक से दो क्वेश्चन एजेस पे थे जितना मुझे याद है. तो ये एक ओवरव्यू था मैथ सेक्शन का. लुक, मैथ सेक्शन मुझे डिज़ास्टर लगा आज, क्योंकि मैंने मैथ्स सेक्शन में बहुत कम अटैम्प्ट किए हैं. लाइक आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टाइप ऑफ अटैम्प्ट. सो इन मैथ सेक्शन लाइक टोटल आई हैव अटैम्प्टेड 18 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 क्वेश्चन. आई नो दैट इट इज़ लाइक वेरी डिजास्टर. आई डोंट नो दैट वेदर आई एम गोइंग टू क्लियर दिस सेक्शनल और नॉट, बट मैथ्स में लाइक मैंने 18 क्वेश्चन किए हैं आउट ऑफ 40 क्वेश्चन, और रीजनिंग में 34 क्वेश्चन किए हैं आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस. तो टोटल मैंने 52 अटेम्प्ट्स लिए हैं 80 क्वेश्चंस में. और एक चीज़ में अगर आप मेरे से पूछोगे दैट विच सेक्शन यू फाउंड डिफ़िकल्ट, आई विल से मैथ सेक्शन इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. ओके, यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन ईजिली. आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अगर आपको मैथ्स का सेक्शन निकालना है तो. ओके, दैट इज़ द ओनली सिंगल थिंग आई फील इन द एग्ज़ाम, बिकॉज मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हुए मेरे से. सीरियसली, मैथ्स में मैंने क्वेश्चन उठाए थे. लुक, एक DI जो थी वो मैंने आपको बताया, उसको हाथ लगाते तो आपका पूरा मैथ सेक्शन स्पॉइल्ड हो जाता. सो आई हैव नॉट टच दैट पर्टिकुलर DI. एक कैसलेट DI थी, वो टाइम टेकिंग थी, इजी थी लेकिन टाइम टेकिंग थी. आई ऑल्सो नॉट अटेम्प्टेड दैट पर्टिकुलर कैसलेट DI. और बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्शन वेर मिसलिनियस. यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफिकेशन, नॉट एट ऑल इन दिस, इन माई शिफ्ट स्पेशली. ओके, मैं अपनी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता बाकी शिफ्ट में. लाइक लुक, फर्स्ट सेकेंड का शिफ्ट मैं देख के गया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आई डोंट थिंक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे, मुझे याद नहीं है. बट हमारे शिफ्ट 4 में फॉर श्योर सिंप्लीफिकेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं था. एंड दिस इज़ द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ लाइक मैथ सेक्शन. सो आई हैव टोल्ड यू एवरी थिंग रिगार्डिंग द एग्ज़ाम, दैट वॉट इज़ द लेवल ऑफ द. लुक, मैंने फिर बोला जो रीजनिंग थी वो लाइक मैं कहूँगा मॉडरेट थी, लेकिन अगर आप मैथ्स कहोगे तो वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी. मुझे आई फील इनकम्फर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन. दैट इज़ द रीज़न आई हैव नॉट इन्वेस्टेड अ लॉट मच टाइम इन मैथ सेक्शन. मुझे पता है लाइक सबसे पहले तो थोड़ा एग्ज़ाम सेंटर पर लाइक 2-3 बार लाइट चली गई थी, तो उससे लाइक 1 मिनट हमारा वो हो गया. और इंटरफेस का इशू था, बहुत बेकार इंटरफेस था. लाइक आपको बार बार माउस क्लिक करना पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए, और वो टाइम टेकिंग था. लाइक स्विच करने में थोड़ा सा टाइम रुक के जा रहा था. सो ये मैंने एक चीज़ लाइक SBI क्लर्क प्रीलिम्स में भी लाइक मैंने फेस किया था, और RRB PO के प्रीलिम्स आज वाले एग्ज़ाम में भी फेस किया. सो दिस इज़ द थिंग विच आई फेस्ड. और लाइक 2-3 मिनट मैंने बहुत वेस्ट किए इधर उधर. सो लुक, 52 इज़ नॉट गुड, आई नो दैट. सो अगेन फिंगर क्रॉस्ड इन दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम ऑल्सो. आई डोंट नो वेदर आई एम गोइंग टू लाइक, मुझे नहीं लगता. आई एम रिकोगनाइजिंग दैट आई एम नॉट एट पार फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम ऑल्सो. सो लुक, 54 जो था अटैम्प्ट वो मैंने पिछले साल किया था. पिछले साल का जो RRB PO का जो प्रिलिम्स 2020 में एग्ज़ाम था, उसमें मैंने टोटल जो अटैम्प्ट्स लिए थे वो लाइक 54 थे, और मेरे जो मार्क्स आए थे वो 50 नंबर आए थे. ओके, एंड जो कट ऑफ गई थी जो RRB PO प्रिलिम्स की जो प्रीवियसली कट ऑफ थी लाइक लास्ट ईयर 2020 में, वो अराउंड 47 थी फॉर जनरल कैटेगरी. आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल. फॉर जनरल इट वॉज 47, और
पिछले साल भी आई फील पिछले साल के कंपैरिजन में मुझे थोड़ा सा लाइक टफर लगा एग्ज़ाम, रीजनिंग का नहीं कहूँगा, रीजनिंग वही लेवल था, मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, मे बी मुझे मैथ्स में लाइक आप क्या बोलते हैं मिसलिनियस को थोड़ा सा दिमाग से करें क्वेश्चन, ओके। और अगेन लास्ट ईयर कट ऑफ वॉज लाइक 47 एंड लाइक आई हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स हाँ मैंने स्कोर किया था और आई हैव अटेम्प्टेड 54, बट दिस ईयर आई हैव लाइक 52 अटैम्प्ट, आई हैव मैंने दो क्वेश्चन कम किए हैं, बट आई फील दैट एक क्वेश्चन मेरा गलत है रीजनिंग में, आई एम 100% श्योर दैट एक क्वेश्चन मेरा गलत है, और वो क्वेश्चन है लाइक ये आपका ये कंपैरिजन वाला जो एक ही मार्क्स का था, ये एक ही मार्क्स का है कंपैरिजन वाला, वही एक गलत है, बाकी मैंने क्वेश्चंस चेक किए हैं लाइक मेरे मैक्सिमम सही हैं। हु नोज दैट अगर दो तीन क्वेश्चन भी गलत हो गए बाय डिफ़ॉल्ट, अगर दो तीन क्वेश्चन या फिर जो कि मैं आपकी अगर एक्यूरेसी कम हुई तो देर इज़ नो चांस फॉर मी, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली दैट इट्स बीइंग वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज कट ऑफ इज़ अगेन गोइंग टू बी, if you ask me the cutoff based on today like 1st July all shift, so I can say that the cutoff will be around 48 to 50 for sure, okay, 48 to 50 for sure cutoff jayegi. So my advice to all the students who are going to give their exam in the upcoming days is that do practice for reasoning, लाइक रीजनिंग को प्रैक्टिस करें एंड डू ट्राई टू फोकस ऑन लाइक दिस क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, दिस मैथ सेक्शन, बिकॉज लुक रीजनिंग सभी कर ले जा रहे हैं लेकिन मैथ्स में लोग नहीं स्कोर कर पा रहे एंड मैथ्स में थोड़ा वो टफ दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप क्या बोलते हैं अभी अच्छी डी आईज को लाइक डाटा इंटरप्रटेशन, वो जो मेमोरी बेस्ड डाटा इंटरप्रटेशन जो आज की डी आई पूछी गई है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, लाइक डिफरेंट लाइक आपको चैनल्स पे मिल जाएगा, ट्राई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन सो दैट यू हैव एन एडवांटेज टू परफॉर्म वेल इन द अपकमिंग एग्जाम विच इज़ गोइंग टू बी लाइक व्हाट आई नो इट इज़ ऑन 7th ऑफ अगस्त, ओके। So this is it. Look, I have told you every single thing regarding the exam analysis, exam overview of maths and reasoning. I have told you what is the cutoff going to be like 48 to 50 according to me. Aur agar bahut zyada hoga to 51 chali jayegi, isse zyada nahi jayegi, because what I have seen that maximum candidates have attempted like up to 60 questions, okay, 60 aur 60 questions mein bhi like unka kya bolte hain accuracy like thoda sa डाउटफुल है। यस बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे नहीं कहूँगा, कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने लाइक 63, 64, 65 किए हैं, बट आई डोंट नो देयर एक्यूरेसी, बट यस मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव ऑल्सो अटेम्प्टेड लाइक 55, 56, 57, सो यू कांट से एनीथिंग, सो इफ यू वॉन्ट टू लाइक क्लियर दिस पर्टिकुलर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जाम, माई एडवाइस टू द कैंडिडेट इज दैट डू प्रैक्टिस योर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन राइट नाउ बिकॉज यू हैव लाइक 6 days राइट नाउ, सो प्रैक्टिस ऑन दिस क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन सो दैट यू कैन स्कोर मोर मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, अदरवाइज इट बींग वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम, ओके। दिस इज माई पर्सनल एडवाइस बेस्ड ऑन द एग्जाम विच आई हैव गिवन ऑन शिफ्ट 4 today itself, okay, and I have told you the approx cutoff. Look, again I am saying that the exam, those who are like जो सोच रहे हैं कि 7th of August easy मतलब थोड़ा सा moderate आएगा, don't do this, practice from today itself, okay, because you are going to get the questions of level question which actually like give which makes you uncomfortable in the exam, so why not practicing today and try to take my analysis, try to take this videos overview analysis so that you have the maximum reach to the questions, that what type of questions has been asked in especially in my shift 4, okay, so that you have an overview that how you have to prepare for this 7th of August exam, okay. So look, lastly I have told you everything regarding whatever the questions they have asked, what type of questions they have asked, and data interpretation mein do cheez aur add karna chahunga,
कैसलेट वाला तो मैंने बताया था इजी आया था, और एक लाइक वो लाइन ग्राफ भी इजी आया था। जो एक डीआई जो डिफ़िकल्ट आई थी उसमें डाटा ये दिया था कि मॉनसून और समर का दिया था और एक फ्रूट दिया था, और ये शायद मुझे याद है जितना बार ग्राफ था कि क्या था, और नीचे को एक दो एक कंडीशन दे रखी थी, और वो कंडीशन से ही मैंने क्या बोलते हैं वो क्वेश्चन स्किप करना चाहा, क्योंकि जब मैंने वो कंडीशन पढ़ा तो वहाँ पे उसके बेस्ड पे जो पांच क्वेश्चन थे वो लाइक चार चार लाइन में दिए हुए थे, तो आई थॉट दैट ये टाइम टेकिंग होगा, दैट्स वाई आई हैव लाइक स्किप दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दिस इज दैट्स इज़ द रीज़न आई एम लाइक आई एम एम्फसाइजिंग टू द व्यूवर्स हु इज़ एक्चुअली वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो राइट नाउ to focus on your quantitative aptitude section if you want to clear this RRB PO prelims, because reasoning you are going to get of moderate level, okay, easy to moderate level. Yes, one thing remember ki ek se do puzzle wo for sure difficult puchhenge jisme cases ban rahe honge, theek hai, ek se do puzzle wo for sure matlab aisa puchhenge jisme cases ban rahe hain, agar aapki practice achhi hai then you can clear that particular puzzle. If your practice is not good, then it's being like time wasting in the exam. Okay. So from my side, I have given every single like question analysis of shift 4 on 1st of like August. Okay. So this is it. And again, those students who have given the exam in shift 4 of 1st August 2021. Today itself, please do share your like attempts, the question which you actually doubt, and share your like approximate, you can say that your accuracy, because that is going to play a very wider role or very important role to whether you are clearing the exam or not. Accuracy is going to play a very major role whether you are clearing this RRB PO prelims exam or not. Okay, so try to share this particular thing, like the number of questions you have attempted and how much accuracy and how much questions you have correct, and if you have any doubt in any question, do share in the comment section, so that jinhone like ye shift diya ho agar unhe unka answer pata हो तो आप प्लीज़ क्या बोलते हैं वो क्वेश्चंस के लाइक आंसर्स को कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एंड दिस इज़ इट, एंड लास्टली इफ यू आर लाइकिंग द चैनल डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक माय वीडियोस, एंड लाइक इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज बेस्ड ऑन टुडेज शिफ्ट, और इफ़ यू वांट टू शेयर एनी क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू शेयर लाइक आंसर्स, डू शेयर answers questions freely in the comment section, because that is going to like tell the actual scenario that what type of level of the questions they have asked. Okay, so this is it, and lastly again, if you are liking my videos, if you are liking the analysis of the exam, do subscribe the channel and do like my videos. Okay, so this is it, ladies and gentlemen, this is Raj Deepak Singh, thank you.